पेंटर भाइयों, ये एशियन पेंट का इम्पोरियो का रीगल ग्लोसी है। ये देखिए इम्पोरियो का, ये रीगल की ग्लोसी है वुडटेज की, एशियन पेंट की। तो इसको कैसे बनाना है, इसका रेशियो क्या क्या रहेगा, तो आइए चलिए। हमने ये रिंग खोल दिया, हम इसका माल देखते हैं। ये देखिए ये माल है, ये क्लियर ग्लोसी है। तो क्लियर ग्लोसी में कोई कलर नहीं होगा, एकदम पानी की तरह होगी। ये देखिए तो इसका जो माल है वो हम निकाल रहे हैं। ये देखिए ये हमने दो डब्बे नाप के इसका माल निकाल लिया, ग्लोसी का जो माल है हमारा, ये ग्लोसी हमने निकाल लिए दो डब्बे नाप कर। अब इसको हम वापस से ढक्कन लगा के बंद कर देते हैं और इसकी रिंग भी लगा देते हैं ताकि किसी का धक्का लग के माल गिरने का खतरा न रहे। इसको हम पूरा पैक कर देंगे। ये देखिए पैक हो गया। अब हम जितना माल निकाले हैं उतना ही इसमें हार्डनर ले गए। ये एम्पोरियो का प्यू ग्लोसी का हार्डनर, तो इसमें जितना माल लेना उतना ही हार्डनर लेना होता है। 1:1 रेशियो में इसका माल तैयार होता है। ये देखिए हमने दो डब्बे माल लिए थे तो दो डब्बे पूरा इसमें हम हार्डनर लेंगे। ये इसमें अब हमने हार्डनर मिक्स कर दिया। अब इसमें थिनर मिक्स करेंगे। ये देखिए अब ये थिनर है, ये पीयू का थिनर है, एसीएम के ड्रम से हमने एक कैन में निकाल रखा है। इसमें दूसरा थिनर नहीं पड़ेगा, एसीएम का पीयू थिनर आता है वही डालना है। ये देखिए हमने एक डब्बा थिनर निकाल लिया, थोड़ा सा और निकाल लिया हमने 100 ग्राम के आसपास। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारा एम्पोरियो रीगल ग्लोसी, अब ये हमारा माल तैयार है। दरवाजे पे या किसी भी फर्नीचर पे आप इसको डाल सकते हैं। ये देखिए ये टॉप कोट है, ये माल हमारा तैयार हो गया। ये देखिए अब हम एक कपड़े की मदद से गन में इसको डालेंगे। कपड़ा इसलिए लगाएंगे ताकि कोई इसमें कचरा वगैरह गन के अंदर न जाए, नहीं तो गन जाम हो जाता है, फिर माल नहीं निकलता, इसलिए कपड़ा लगाना आवश्यक है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ एशियन पेंट एम्पोरियो के रीगल की ग्लोसी आपको अच्छी तरह से बनानी आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।